दोस्तों आपको यह जानकर हैरानी होगी कि जिस सुरक्षा के बीच एटीएम में पैसे डाले जाते हैं उससे भी कहीं ज्यादा सुरक्षा से सीबीएसई के क्वेश्चन पेपरों को स्कूल तक पहुंचाया जाता है। आइए जानते हैं सीबीएसई क्वेश्चन पेपरों को लाखों स्कूलों तक कैसे पहुंचाता है। स्कूल तक क्वेश्चन पेपर बैंक से लाए जाते हैं। बैंक में क्वेश्चन पेपर सीबीएसई द्वारा पहुंचाए जाते हैं। जिस दिन जिस विषय की परीक्षा होती है उस दिन स्कूल के प्रतिनिधि, बैंक प्रतिनिधि और सीबीएसई के प्रतिनिधि तीनों की मौजूदगी में क्वेश्चन पेपर को बैंक से निकाला जाता है। जिस स्कूल को बोर्ड की परीक्षा का सेंटर बनाया जाता है बैंक उस स्कूल के काफ़ी करीब होते हैं। ऐसे बैंक को कस्टोडियन बैंक्स कहा जाता है। कस्टोडियन बैंक्स कौन सा होगा इसका चुनाव सीबीएसई ही करती है और इसकी सूचना स्कूल को भेज दी जाती है। क्वेश्चन पेपर जब बैंक से निकलकर स्कूल तक पहुंचते हैं तो उसे रास्ते में उस गाड़ी में एक सुरक्षा गार्ड, एक सीबीएसई का प्रतिनिधि और एक स्कूल का प्रतिनिधि होता है। बोर्ड की परीक्षा शुरू होने से ठीक आधे घंटे पहले स्कूल प्रिंसिपल, बोर्ड हेड एग्जामिनर और परीक्षा में निगरानी के लिए शामिल होने वाले शिक्षकों की मौजूदगी में क्वेश्चन पेपर को खोला जाता है। इस पूरी प्रक्रिया की वीडियोग्राफी भी की जाती है और तुरंत सीबीएसई को भेज दिया जाता है। हर मौके पर इस बात का खास ख्याल रखा जाता है कि क्वेश्चन पेपर की सील खुली ना हो। क्लासरूम में शिक्षक क्वेश्चन पेपर बांटने के लिए निकलते हैं और तय समय पर घंटी बजने के बाद हर क्लास में एक साथ एक ही समय पर क्वेश्चन पेपर बांटने की प्रक्रिया शुरू होती है। हालांकि यह पूरी प्रक्रिया परीक्षा शुरू होने के 2 घंटे पहले शुरू होकर खत्म हो जाती है। इस प्रकार से क्वेश्चन पेपर का सफर सीबीएसई से शुरू होकर स्टूडेंट्स तक खत्म होता है। दोस्तों इस वीडियो में हम लोगों ने देखा कि सीबीएसई अपने सेंटर से अलग अलग एग्जामिनेशन सेंटर तक किस तरह से क्वेश्चन को बहुत ही ज़्यादा सिक्योरिटी के साथ पहुँचाती है। आई होप कि दोस्तों आप लोगों को यह जानकारी अच्छी लगी होगी। आपको पसंद आई होगी तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब कर लें और दोस्तों के साथ शेयर जरूर करें।